पंचायत समिति अनई के सहायक विकास अधिकारी हनुमान प्रसाद आज सेवानिवृत्त हो गए। हनुमान प्रसाद पंचायत समिति अनई में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। पंचायत राज में उन्होंने 24 वर्ष 4 माह 5 दिन की गौरवपूर्ण सेवाएं दी। सेवानिवृत्ति पर आज उन्हें पंचायत राज के सभी कार्मिकों ने शुभकामनाएं दी। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अजमेर जिले की स्थिति को देख आयुक्त नरेगा ने नाराजगी प्रकट की है। अजमेर जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलेवार समीक्षा की गई। अजमेर जिला राजस्थान के 33 जिलों में 11वें पायदान पर है। हालांकि अजमेर में मजदूरी दर तथा कार्य की स्वीकृति अन्य जिलों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। अजमेर जिला परिषद सीईओ डॉक्टर गैरव सैनी आगामी 3 जून को जिले के विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने आज पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नरवर तथा चाचावास क्षेत्र में जाकर राजकीय कार्यालयों तथा पंचायत राज के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत नरवर में कनिष्ठ सहायक पिछले 2 माह से नदारद मिला। इस पर विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने कनिष्ठ सहायक कमलेश दोराया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सर, अजमेर ग्राम पंचायत समिति में आज आपने निरीक्षण किया है, कहाँ कहाँ निरीक्षण था, क्या रहा है? आज ग्राम पंचायत नरवर में पीएम आवास योजना एवं जो ग्राम पंचायत में कोविड सर्वे चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत में पहुंचने पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पीएम आवास का निरीक्षण करवाए गए। आवास लगभग 4 आवास कम्प्लीट अवस्था में है, लास्ट मंथ जारी है उनकी, लेकिन रजिस्टर चेक करने पाया गया कि ग्राम पंचायत का कनिष्ठ पिछले 2 माह से अधिक समय से गायब है, अनुपस्थित है। इस बारे में मालूम करने पता चला कि वो आता ही नहीं है, तो उसको नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके उपरांत ग्राम पंचायत चाची आवास में निरीक्षण किया गया। मालूम करने को पता चला कि LDC पदमपुरा ग्राम पंचायत नरेक्षा नरेगा चेक करने गई हुई थी। अतः सभी ग्राम पंचायतों में समय निर्देश दिए जाते हैं कि बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ें और कार्यालय समय पर कार्यालय उपस्थित रहें। कोविड को लेकर भी आपने वहाँ पर दिशा निर्देश दिए, क्या दिशा निर्देश दिए? कोविड को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि विशेषकर नरेगा में कोविड की जो डायरेक्शन है उसको पूरी तरह पालना की जाए। एक साइड 20 लेवल लगाई जाए और उसमें भी जो गैप है उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में मानसून के देखते हुए जो भी नाला नाली ये चौक पड़े हुए हैं या बंद पड़े हुए हैं उनकी भी साफ सफाई करवा ली जाए समय रहते। इस बारे में सबको ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर नियोजित किए जा रहे कोविड सहायकों की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार अजमेर जिला परिषद द्वारा सूची तैयार कर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपूत को भिजवा दी है। सूत्रों के अनुसार अजमेर जिला कलेक्टर ने सूची का अनुमोदन कर दिया है। ऐसे में कोविड सहायकों की नियुक्ति कल या परसों में की जा सकती है।